कर दोस्तों मैं आपका दोस्त निखिल एक बार फिर से आप सबके सामने पेश हूँ आपके दर्शन शास्त्र के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है और लगभग सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है केवल एग्जाम्स के लिए नहीं अगर आप वैसे भी एक दार्शनिक व्यक्ति हैं ना केवल दार्शनिक बल्कि एक धार्मिक व्यक्ति भी हैं तो ये टॉपिक आपके सामने घूमता रहता है टॉपिक है मोक्ष भारतीय दर्शन में मोक्ष के बारे में क्या क्या अवधारणाएं हैं क्या क्या थ्योरीज है क्या क्या कंसेप्ट है इंडियन फिलॉसफी मोक्ष के ऊपर अपने क्या विचार रखती है उन सब की चर्चा आज हम यहाँ क्लास में करने वाले हैं इंडियन फिलासफी में ये माना जाता है कि मोक्ष ही हमारा लक्ष्य है मोक्ष ही हमारा एक डेस्टिनेशन है ठीक अंतिम लक्ष्य भी इसे माना गया है ऐसा नहीं है कि मोक्ष को मानने का कोई स्पेसिफिक पीरियड है या फिर कि इस काल में ही मोक्ष को माना गया इससे पहले नहीं था नहीं वेदों से अगर मैं शुरू करूं कहानी तो वेदों से ही लगभग ये वर्णन हमें मिलना शुरू हो जाता है और वेदों से भी पीछे अगर मैं थोड़ा चला जाता हूँ तो सांख्य दर्शन के अंदर इसका वर्णन है सांख्य दर्शन का जिक्र जो है अगर आप देखेंगे ऋग्वेद यजुर्वेद के अंदर आपको सांख्य दर्शन का जिक्र मिल जाएगा इट मीन सांख्य दर्शन कहीं ना कहीं उनसे भी पुराना था तो सांख्य दर्शन ने भी इसके बारे में चर्चा की है तो ऐसा नहीं है कि मोक्ष इंडियन फिलोसफी में नया कंसेप्ट है इंडियन एथिक्स की जब मैं बात करता हूँ भारतीय नीतिशास्त्र की जब मैं बात करता हूँ तो भारतीय नीतिशास्त्र में हर एक व्यक्ति के चार पुरुषार्थ माने गए हैं चार लक्ष्य माने गए हैं चार महत्वपूर्ण कार्य माने गए हैं चार हमारी जिम्मेदारियां मानी गई है जिसमें तीन जिम्मेदारियां ऐसी है जो हर व्यक्ति को निभानी जरूरी है और चौथी जिम्मेदारी उसका कहीं ना कहीं परिणाम है उसका रिजल्टारी है।, है आपकी धर्म अर्थ काम अगर आप धर्म अर्थ और काम को अच्छे से फॉलो करते हैं अच्छे से उन्हें समझते हैं अच्छे से जीवन में उतारते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति आपको स्वतः हो जाएगी ये भारतीय दर्शन का एक कंसेप्ट चलता है हम जानने की कोशिश करेंगे पुराने दर्शन से शुरू करेंगे और फिर नए दर्शन तक आएंगे और देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी कुछ विचारकों ने प्रॉब्लम्स भी समझाई कि मोक्ष के साथ समस्या क्या है मैं मोक्ष को क्यों नहीं मानता या मैं मोक्ष को आपके जैसा क्यों नहीं मानता मैं अलग तरीके से क्यों उसे समझता हूँ वो सब प्रॉब्लम्स भी आज हम देखने की कोशिश करेंगे तो अपनी स्क्रीन पर देखिएगा शुरुआत मैं करूंगा सांख्य और योग दर्शन के साथ स्क्रीन पर देखिएगा सांख्य और योग दर्शन से हम हमारी कहानी शुरू करेंगे अगर आप इंडियन फिलासफी पढ़ते हैं तो मैंने काफ़ी बार पहले भी बताया है कि भारतीय दर्शन जो है जोड़े में चलता है मतलब मान के चलिए दो दर्शन एक साथ चलते हैं उसमें एक सिमिलैरिटी ऐसी है कि पहले जो दर्शन आता है वो थियोरिटिकल होता है बाद का जो दर्शन आता है वो थियोरटिकल प्लस प्रैक्टिकल भी होता है ये एक मैं वो सिद्धांत नहीं बता रहा हूँ लेकिन नॉर्मल देखा गया है जैसे कि भारतीय दर्शन को मैं देखता हूँ तो सांख्य सांख्य दर्शन के साथ एक दर्शन और है जो इसके साथ इसके जैसा ही कार्य करता है योग दर्शन अगर मैं न्याय की बात करता हूँ तो न्याय के साथ एक दर्शन और है जो लगभग इसके जैसे ही कार्य करता है वैशेषिक दर्शन अगर मैं मीमांसा की बात करता हूं तो मीमांसा के साथ एक और दर्शन है जो ऐसा ही काम करता है वो है वेदांत दर्शन तो ये ग्रुप के अंदर चलती है आपके इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी या मैं कहूं कि जो वेदों को मानने वाला दर्शन है वो दो के ग्रुप में चलता है दो 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 सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा वेदांत ये मैं क्यों समझा रहा हूं क्योंकि इनके अंदर एक सिमिलेरिटी है नाइन्टी ऑफ थ्योरीज जो है ये दोनों फॉलो करेंगे अगर मैं कहता हूँ दो गुणा दो बराबर पाँच ये सांख्य दर्शन कहता है तो संभावना है योग दर्शन भी इसे स्वीकार करेगा अगर न्याय कहता है तो वैशेषिक इसे स्वीकार करेगा मीमांसा कहता है तो वेदांत इसे स्वीकार करेगा तो फिर इनमें फर्क क्या हुआ इन्होंने इन्हें स्वीकार करने के साथ साथ या तो इसको एक्सप्लेन किया इसकी व्याख्या की या अपना कुछ और नया सिद्धांत भी प्रस्तुत किया जिसके कारण ये सबसे अलग थे या हमें अलग लगते हैं बट बेसिकली इनके बीच में जो उनके आधार है जो रूट है वो सेम है सांख्य और योग की बात करते हैं सांख्य दर्शन जो है आपका वो थ्योरिटिकल है देखिए मेरी राइटिंग का थोड़ा सा मजाक मत उड़ाइएगा सांख्य दर्शन जो है वो थोड़ा थ्योरिटिकल है ठीक है ये थ्योरीज की बात करता है ये विचार रखता है ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है सांख्य दर्शन वो है जिसने अपने पूरे जिक्र में पूरे दर्शन शास्त्र के अंदर पूरी फिलॉसफी के अंदर पूरे अपने ज्ञान के अंदर ईश्वर का जिक्र नहीं किया है खंडन भी नहीं है जिक्र भी नहीं तो एक प्रश्न कई बार आता है कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर जब सांख्य दर्शन ने ईश्वर को नहीं माना तो वो मोक्ष को क्यों मानेगा इंडियन फिलॉसफी में ईश्वर और मोक्ष अलग अलग हैं ध्यान रखिएगा उसको जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा कि साहब जो ईश्वर को मानेगा वही तो मोक्ष को मानेगा मोक्ष के लिए ईश्वर जरूरी है ऐसा नहीं है इसलिए ये मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं कि मोक्ष की वास्तव में इंडियन फिलोसफी में क्या विचारधारा है ईश्वर जरूरी नहीं है मोक्ष एक अलग अवस्था है मोक्ष एक अलग कैटेगरी है मोक्ष एक अलग कंसेप्ट है ईश्वर एक अलग कंसेप्ट है ईश्वर को तो मैं कहूं कि बुद्धिस्ट भी नहीं मानते लेकिन बुद्धिस्ट मोक्ष को तो मानते हैं उसी तरह सांख्य दर्शन मोक्ष को नहीं मान ईश्वर को नहीं मानते लेकिन ये मोक्ष को मानते हैं सांख्य दर्शन के अंदर जिस मोक्ष कहा गया है उसका नाम है कैवल्य कैवल्य का जो बेसिक मीनिंग है बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि ये मोक्ष का ही पर्यायवाची शब्द है है इंग्लिश में सिनोनिम्स क्या कहते हैं आप लोग पर्यायवाची शब्द है ये मोक्ष का लेकिन फिर भी एक मन में एक शंका आती है सर कैवल्य का अर्थ क्या है तो अलग अलग जगह इसकी अलग अलग व्याख्याएं की गई है लेकिन सांख्य दर्शन के ऊपर सबसे सटीक जो व्याख्या बैठती है वो ये है केवल एक कैवल्य का तात्पर्य है वह अवस्था वह कंडीशन जब आप यह फील हो कि आप एक हैं और आप अलग हैं किसे फील होना चाहिए पुरुष को देखिए सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष के ऊपर बेस्ड थी यहाँ पर आ, कपिल ने क्या कहा कि साहब जो पुरुष है वो गलती से खुद को प्रकृति समझ लेता है बाय मिस्टेक कि मैं प्रकृति हूं मेरे अंदर रज तम तीन गुण हैं लेकिन पुरुष के अंदर कोई गुण नहीं है पुरुष इनसे अलग है तो पुरुष को क्या करना चाहिए पुरुष को प्रकृति से अलग हो जाना चाहिए जिस अवस्था में पुरुष प्रकृति से अलग हो जाएगा तो तो प्रकृति पहुंच जाएगी आपके उस अवस्था में जिसको आप कहते हैं विनाश विनाश काल अवस्था में और पुरुष पहुंच जाएगा कैवल्य कैवल्य अवस्था में जहां उसे यह ज्ञान हो जाएगा मैं कौन हूं मैं क्या हूं केवल एक जब उसे अपने एकाकीपन एक का ज्ञान हो जाए कि मैं क्या हूं मैं एक हूं मैं अलग हूं सबसे भिन्न हूं वो केवल की अवस्था योग दर्शन योग दर्शन का जो मोक्ष है उसका नाम भी केवल ही है मैंने आपको ऊपर समझाया था अभी ज्यादा डिफरेंस नहीं है ग्रुप्स के अंदर केवल ही नाम हाँ योग कहता है कि योग दर्शन क्या है योग कहता है चित्त वृत्तियों का निरोध जब आप कर लेते हैं तो उसे के, हम योग कहते हैं हैं चित्त की जो आपकी जो जो वृत्तियां आपकी आपकी चेतना है आपकी जो है है कॉन्शियसनेस उसमें कई बार गड़बड़ी हो जाती है। जैसा कि महर्षि कपिल ने कहा था अभी कि पुर, जो पुरुष है वो खुद को प्रकृति समझने लग जाता है पुरुष मीन्स चेतना पुरुष मीन्स कॉन्शियसनेस पुरुष मीन्स चित्त अब इसमें ये गड़बड़ हो गई इसमें थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया उसका कि वो खुद को कुछ और समझने लग गया तो योग दर्शन कहता है कि इन निरोधों को मैं दूर करूं यही योग का लक्ष्य है और योग का लक्ष्य क्या है जब मैं इन निरोधों को दूर कर लूंगा तो एक अवस्था प्राप्त होगी मुझे जिसका नाम है समाधि समाधि से क्या मिलेगा तो महर्षि पतंजलि कहते हैं समाधि से मिलेगा कैवल्य जब आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि मैं चित्त हूं मैं चेतना हूं मैं शरीर नहीं हूं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जब मैं ये पांच तत्वों का पांच एक्सरसाइज का पांच घटनाओं का पांच क्रियाविधियों का अपने शरीर पर एप्लीकेशन यूज करता हूं अप्लाई करता हूं तो बाहरी संसार से मैं हट जाऊंगा फिर तीन एक्सरसाइज तीन इवेंट तीन घटनाएं अंदर की तरफ होगी धारणा ध्यान जिनसे प्राप्त होगी समाधि धारणा ध्यान समाधि समाधि वो अवस्था जहां पर आपको यह ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं कैवल्य की अवस्था की कैवल्य की अवस्था तो सांख्य और योग इन्होंने योग्य की बात करी यहां इन्होंने यह समझाया कि मैं खुद को जब जानता हूं उसी का नाम है कैवल्य की अवस्था इसको आप इस तरीके समझ सकते हैं कि पुरुष अज्ञान के कारण खुद को प्रकृति समझ लेता है जिस अवस्था में यह अज्ञान दूर हो जाता है वह कैवल्य की अवस्था है आगे बढ़ते हैं वेदांत दर्शन की तरफ चलते हैं वेदांत दर्शन क्या कहता है मोक्ष के ऊपर वेदांत में हमें सारे सेक्शंस नहीं देखने होते हैं तीन सेक्शंस हैं वेदांत के जो शुरुआती तीन सेक्शंस हैं। अद्वैत उसके बाद आता है विशिष्ट अद्वैत और फिर द्वैत बस उसके बाद तो भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है तो वहां पर हम नहीं जाते वेदांत दर्शन के अंदर एक पुस्तक आती है आदिशंकराचार्य की लिखित विवेक चूड़ामणि लिख देता हूं शायद अगर आपको समझ में आ जाए तो हम वेदांत के मोक्ष की बात कर रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है पुस्तक का नाम है विवेक चूड़ामणि विवेक चूड़ा आदि शंकराचार्य की रचना थी है आदि शंकराचार्य ने इस पुस्तक के अंदर समझाया कि मोक्ष क्या है मोक्ष का अर्थ क्या है हमें विवेक की आवश्यकता क्यों है इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने विवेक को सबसे महत्वपूर्ण माना कि विवेक सबसे आवश्यक है विवेक कोई व्यक्ति नहीं है विवेक आपकी ज्ञान की अवस्था है ठीक है तो वेदांत दर्शन का सबसे प्रमुख पुस्तक थी विवेक चूड़ामणि अद्वैत वेदांत की मैं बात करता हूँ हालांकि शंकराचार्य ने इस पुस्तक में मोक्ष के ऊपर आपत्तियां भी लगाई है जो हम आगे डिस्कस करेंगे अद्वैत वेदांत की जब मैं बात करता हूं अद्वैत वेदांत की जब मैं मोक्ष की बात करता हूं अद्वैत वेदांत का यह मानना है कि हर व्यक्ति या फिर मैं कहूं कि आप मैं चाहे कोई भी हो माया अज्ञान इनके कारण वो इस संसार में फंसा रहता है इस संसार में अटका रहता है उसको समझ में ही नहीं आता कि मुझे चूज क्या करना है वो इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड के चारों तरफ घूमता रहता है और इन्हीं को मेरा, मेरा लक्ष्य क्या है मुझे कहा जाना था मैं कहा जा रहा हूं मैं कहा भटक गया हूं क्यों माया माया क्या करती है जो जैसा है उसको वैसा ना दिखाकर कुछ और दिखाती है आपका बर्थडे है आपके बर्थडे पर मैंने आपको एक बुक गिफ्ट की जिस बुक के ऊपर लिखा हुआ था फिलॉसफी बाय निखिल मेरी बुक है मान लीजिए मैंने आपको गिफ्ट कर दी फिलॉसफी बाय निखिल अब आपने जैसे ही उस किताब को खोला तो उसमें तो मैथ साइंस के फार्मूलास लिखे हुए थे नहीं नहीं, नहीं। लेकिन पुस्तक के ऊपर तो लिखा हुआ था फिलॉसफी बाय निखिल तभी तो आपने चूज किया था उसे माया का यही काम माया का यही काम आवरण और विक्षेपण माया क्या करती है माया किसी भी चीज को कवर अप करती है और उसे कुछ और दिखाने की चेष्टा करती है ताकि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए अकॉर्डिंग टू आदि शंकराचार्य यहां से अज्ञान पैदा होता है मान लीजिए मैंने आपको एक लिक्विड दिया और कहा कि ये पी लीजिए ये अमृत है और उसमें मैंने कोई जहर मिला दिया था दिस इज कॉल्ड माया लेकिन ये माया क्यों हुई क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था मैं अज्ञानी था मुझे मैं आपने मुझ पर विश्वास कर लिया ये आपका अज्ञान है शंकराचार्य कहते हैं जैसे ही इस अज्ञान से मुक्ति होती है ये अज्ञान समाप्त होता है तो माया समाप्त हो जाती है अध्यास समाप्त हो जाता है और जब ये सारा अज्ञान समाप्त हो जाता है तो केवल ज्ञान बचता है और ज्ञान यही है कि अहम मुझ मुझमें कोई कमी नहीं है मैं संपूर्ण हूँ मैं परफेक्ट हूं तो अज्ञान से मुक्ति ही मोक्ष है अकॉर्डिंग टू आदि शंकराचार्य ये कैसे संभव है आदिशंकराचार्य कहते हैं ज्ञान मार्ग ज्ञान मार्ग के द्वारा मोक्ष संभव है वेदांत दर्शन मार्गों की बात करता है वेदांत में बेसिकली कहा गया है कि मोक्ष प्राप्ति के कुछ अलग मार्ण। मार्ण। अलग मार्ग हैं ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कर्म मार्ग अलग अलग मार्गों पर चलकर आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं तो अद्वैत ज्ञान मार्ग की बात करता है माया और अज्ञान की समाप्ति की बात करता है विशिष्ट विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य का अद्वैत। इन्होंने कहा कि मैं शंकराचार्य जी से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं क्योंकि आपने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ कहके निकल गए आप तो कि ज्ञान है अज्ञान है बात खत्म अज्ञान आपने कहा कि अज्ञान जो है जैसे अज्ञान से मुक्ति हो जाएगी मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी यह गलत है रामानुजाचार्य जी ने कहा कि देखिए अज्ञान जो है अज्ञान आपसे संबंधित है सेल्फ माई सेल्फ या ऑन सेल्फ लेकिन जो नॉलेज है जो ज्ञान है वो आपसे नहीं वो ईश्वर से संबंधित है वो गॉड से संबंधित है भगवान विष्णु से संबंधित है शंकराचार्य जी ने क्या कहा था माया अज्ञान इनको हटा देंगे ज्ञान बात खत्म तो। रामानुजाचार्य जी ने यहां पर इंट्रोड्यूस किया भगवान विष्णु को उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है अज्ञान है तो वो मेरे ऊपर है ज्ञान है तो वो ईश्वर के ऊपर है तो जब इस अज्ञान को मिटाकर मैं ज्ञान की तरफ की तरफ तरफ या ईश्वर जाता हूं तब उसे मोक्ष कहते हैं क्योंकि तो शंकराचार्य जी ने तो कह दिया अज्ञान को समाप्ति मोक्ष है लेकिन अज्ञान को समाप्त करके कहां जाएंगे तो रामानुजाचार्य जी ने कहा ईश्वर की शरण में जाएंगे ईश्वर के प्रति हमारा जो प्रेम है जो लगाव है हमें उसको फुलफिल करना है और उसके कारण हम उनकी तरफ जा रहे हैं तो ये विशिष्ट अद्वैतवाद ज्ञान मार्ग की भी बात करते हैं क्योंकि ज्ञान तो हटेगा लेकिन ईश्वर की तरफ जा भी रहे हैं तो भक्ति मार्ग भी यहां पर इन्होंने सुझाया अगले आते हैं आपके द्वैत डिस्टिक फिलोसफी माधवाचार्य जी द्वैतवाद द्वैत वो फिलॉसफी थी जहां से कम्पलीटली भक्ति मार्ग शुरू हो गया इन्होंने कहा देखिए हमें केवल कर्म करना है और भक्ति मार्ग की तरफ चलना है बात खत्म ईश्वर की कृपा होगी तो हमें ज्ञान भी होगा ईश्वर की कृपा होगी तो हमें मोक्ष भी मिलेगा ईश्वर नहीं चाहेगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा इसके आगे अगर आप आग जाएंगे वल्लभाचार्य जी की तरफ जाएंगे वो कहेंगे पुष्टि मार्ग पुष्टि मार्ग का मतलब क्या है केवल और केवल और केवल ईश्वर की कृपा से ही आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं क्या कहा पुष्टि मार्ग तो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु आएंगे और बाकी लोग आएंगे वो कंप्लीटली भक्ति मार्ग को ही फॉलो करेंगे तो ये वेदांत दर्शन के तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत माने जाते हैं मोक्ष से संबंधित जहां पर भक्ति और ज्ञान और केवल भक्ति या कर्म की बात की जाती है ये है आपका वेदांत दर्शन का आगे देखते हैं बुद्ध दर्शन क्या कहते हैं या जैन दर्शन क्या कहते हैं चार बार को तो मैं हटाई देता हूं चार बार तो वोक्ष को मानते ही नहीं है वो लंबी डिस्कशन हो जाएगी फिर बुद्ध दर्शन क्या कहते हैं बुद्ध दर्शन में कहा गया है कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख है फोर नोबल ट्रो चार आर्य सत्य सर्व दुखम दुखम हर व्यक्ति के जीवन में दुख है तो क्या किया जाए दुखों को अंत कर दिया जाए दुखों का निवारण कर दिया जाए दुखों की समाप्ति कर दी जाए बुद्ध दर्शन में मोक्ष जैसा कोई शब्द कहीं प्रयुक्त नहीं किया गया या मैं कहूं कि बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है मोक्ष शब्द बुद्ध दर्शन के अंदर मोक्ष दर्शन आ... बुद्ध दर्शन जो है वो मोक्ष के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है वो भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि जैन दर्शन में किया गया है या बाकियों में किया गया है निर्वाण या पाली में कहूं मैं इसको अगर निब्बान ठीक है निर्वाण या निब्बान या फिर इससे भी एक कॉमन शब्द है जो कि बुद्ध दर्शन में यूज किया गया है विमुक्ति हाँ हालांकि पाली का शब्द है अगर इसको हिंदी करता हूं मैं तो इसका हो जाएगा विमुक्ति विमुक्ति या विमुक्ति निर्वाण की बात कही गई है जब सब प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं जब व्यक्ति जो है सारे दुखों से दूर हो जाता है तो उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है ये बुद्ध दर्शन कहते हैं जैन दर्शन क्या कहते हैं जैन दर्शन का ये कहना था कि जो जीवन के बंधन है हमारे इस संसार के प्रति जो हमारे बंधन है इस भौतिक संसार के प्रति जो हमारे विचार हैं इनकी तरफ में अग्रसर हो रहा भौतिक संसार के लिए जब मैं कर्म करता हूं तो मैं कहीं ना कहीं संसार में ही फंस जाता हूँ जिसके कारण मैं इससे बाहर नहीं निकल पाता तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए मुझे अब अगर आप जैन दर्शन देखेंगे वो कहेंगे संवर और निर्जरा दो अवस्थाएं आएगी ज्ञान की संवर और निर्जरा त्रिरत्न आएंगे वहां पर इन सब का मुझे फॉलो करना है अलग अलग तरीके से खुद का शुद्धिकरण करना है उस शुद्धिकरण के बाद क्या होगा उसके बाद एक अवस्था प्राप्त होगी उस अवस्था की तरफ चलने वाला व्यक्ति कौन होगा उस अवस्था की तरफ चलने वाला व्यक्ति कहलाएगा केवली केवली और केवली जब अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा तो उस अवस्था को कहा जाएगा कैवल्य के केवल वह अवस्था जहां पर मैं ये कह सकता हूं कि अब मेरे ऊपर किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, अब मैं मुक्त हूं मुक्त अवस्था कैवल्य अवस्था और वह व्यक्ति जो कैवल्य की तरफ अग्रसर है ठीक है मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कुछ आपत्तियां थी कुछ लोगों को स्पेशली शंकराचार्य जी को भी कुछ आपत्ति थी शंकराचार्य जी मोक्ष को तो मानते हैं डिफरेंट थिंग वो कंसेप्ट सही है शंकराचार्य जी कहते हैं कि देखिए आप लोगों ने एक कंसेप्ट बना रखा है कि धर्म पर चलना पड़ेगा अर्थ को जीना पड़ेगा काम करने पड़ेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी स्वतः ही मतलब मोक्ष आपको मिल जाएगा शंकराचार्य जी कहते हैं कि आपकी बात सही है धर्म अर्थ काम से मोक्ष की प्राप्ति होती है मेरा प्रश्न सीधा सा है सिंपल प्रश्न है कैसे कैसे होगी मतलब केवल मैं चलता रहूं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए ये संभव नहीं है जब तक ज्ञान नहीं होगा तो आप धर्म नहीं कर सकते ज्ञान नहीं होगा तो आप अर्थ नहीं कर सकते ज्ञान नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते तो जब बिना ज्ञान के आप धर्म अर्थ काम नहीं कर सकते तो मोक्ष कैसे प्राप्त हो जाएगा तो उन्हें इस सिद्धांत से बड़ी आपत्ति थी केवल धर्म अर्थ काम को फॉलो करो और मोक्ष आपको ऑटोमेटिकली एक रिवार्ड एक इनाम एक तोहफे के रूप में भिचाएगा बोले ये गलत है एक आपत्ति थी आपके बौद्ध दर्शन के अंदर नागार्जुन का नाम आपने सुना होगा जिन्होंने शून्यवाद वगैरह भी दिया था नागार्जुन का सिद्धांत आता है नागार्जुन जी का कहना था कि यार ठीक है आपने कहा कि जो धर्म को मानेगा वही मोक्ष की तरफ जा सकता है तो मेरा भी वही प्रश्न है शंकराचार्य जी की तरह कैसे धर्म तो इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट हो गया मोक्ष इस जगत से बाहर का एक सब्जेक्ट हो गया तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर मैं धर्म को फॉलो करूं तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा और इसकी गारंटी क्या है तो ये कुछ आपत्तियां थी आ, मोक्ष के ऊपर भारतीय दर्शन के अंदर ओवरऑल अगर मैं देखूं सभी को अगर मैं समरी करूं सभी का निष्कर्ष निकालूं तो मोक्ष का मतलब मोक्ष का अर्थ है केवल और केवल ज्ञान की प्राप्ति इसके लिए ईश्वर आवश्यक नहीं है मोक्ष का मतलब है सही को सही जानना गलत को गलत जानना मोक्ष का मतलब है मेरी खुद की अवस्था को समझना मोक्ष का मतलब है सामने वाले की अवस्था को भी समझना मोक्ष का मतलब है इस संसार को समझना मोक्ष का मतलब है इस जगत को समझना मोक्ष का मतलब है मेरे हर कार्य मेरी हर घटना मेरी हर परिस्थिति में खुद को सतर्क रहना सजग रहना चैतन्यता, पूर्ण रहना यही मोक्ष है मोक्ष का मतलब है जब आप अपने अंदर रहते हैं वही मोक्ष है जब आप अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं वही मोक्ष है यहां ईश्वर या यह कोई और मार्ग अपनाने की आवश्यकता नहीं है आप मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं आप मोक्ष की प्राप्ति बिना